हेलो दोस्तों, मैं जेपी भाकर। हम यहाँ पे आज शुरू करने वाले हैं 29 अगस्त के करंट अफेयर। सबसे पहला हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 2022 तक मानव युक्त अंतरिक्ष यान को प्रेक्षित करने का खाका तैयार कर लिया है। किस प्रेक्षण यान के जरिए 3 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। देखिए दोस्तों, शुरू आंसर बताने से पहले मैं आपको बता दूं, देखिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो इसरो है उनके अध्यक्ष कौन है। तो देखिए, इनके अध्यक्ष है डॉक्टर के सिवन और नरेंद्र मोदी। आपको पता होगा उनके द्वारा 15 अगस्त को एक अपने भाषण के दौरान कहा गया था कि भारत है वो 2022 तक अंतरिक्ष के अंदर है, अंतरिक्ष यात्रियों को भेज देगा। और उसके लिए भारत ने जो शुरू किया था गगनयान प्रोजेक्ट, वो 2022 के अंदर संपन्न हो जाएगा और उसके तहत वो मानव युक्त अंतरिक्ष यान है वो प्रेक्षित कर पाएगा। इसके लिए देखिए दोस्तों, कौन सा रॉकेट है वो काम में ले जाएगा। तो दोस्तों, सही आंसर आपका यहाँ से हो जाता है। देखिए यहाँ पे सही आंसर आपका हो जाता है GSLV-3, यानी देखिए यहाँ पे मार्क GSLV-3 है, ये यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर हमारा 3 है, ये इसमें क्या हो जाता है, सही आंसर हो जाता है आपका। अब देखिए GSLV-3 है क्या, थोड़ा सा आपके बारे में इसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। तो देखिए, भारत की सबसे वजनी रॉकेट है GSLV-3। इसके अलावा देखिए इसकी वजन की बात करें तो इसका वजन है 640 टन। और पहले उड़ान के समय इन्होंने क्या है, 3131 kg के सैटेलाइट है उसको लेकर अपनी कक्षा तक सफलतापूर्वक पहुंचाया था। इसके अलावा देखिए, ये स्वदेशी निर्मित है, वो तैयार से कार्योजेनिक इंजन से तैयार है। इसमें क्या है कि लिक्विड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का ईंधन है वो इस्तेमाल में किया जाता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की। तो अगले क्वेश्चन से बात करने से पहले, यदि आपके द्वारा हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल आइकन है उसको दबा दे ताकि जो भी हमारा नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। इसके अलावा देखिए, इसकी PDF फाइल है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है, वहां से आप हमारी वेबसाइट jpbhakar.com से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, हमारा जो लर्निंग ऐप, हम अनअकैडमी लर्निंग ऐप है, वहाँ पर भी मैं पढ़ाता हूँ, तो वहाँ पर भी आप जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। यदि आपके द्वारा अभी तक अनअकैडमी लर्निंग ऐप है उसको डाउनलोड नहीं किया गया है तो आप सबसे पहले डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद में आप चाहे तो उसको साइन इन करने के बाद में आप मेरा नाम खोज सकते हैं जयपाल भाकर लिखकर, या फिर दोस्तों आप वहाँ पे जो मैंने डिस्क्रिप्शन दे रखा है डिस्क्रिप्शन के थ्रू भी आप वहाँ तक जा सकते हैं। जैसी आपकी मर्जी वैसे आप जा सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अगला करंट अफेयर का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है, महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा की है कि मुंबई के 7 क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण के नियमों को तोड़ने पर 5 साल तक की जेल की सजा और कितने लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार है उनके द्वारा घोषणा के अनुसार मुंबई के जो 7 क्षेत्र है उसमें ध्वनि प्रदूषण के नियमों को तोड़ने पर 5 साल की सजा के साथ साथ 1 साल की कैद भी दी जाएगी। और आप महाराष्ट्र को आप चित्र के अंदर भी देख पा रहे होंगे, मैप के अंदर देख पा रहे होंगे, ये जरूर जब भी आप किसी के बारे में अध्ययन करते हो तो उसका मैप जरूर देखा करें, मैप से आपको बहुत सारी हेल्प मिल जाती है। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं थोड़ी सी मुंबई की, देखिए महाराष्््र की। तो देखिए, महाराष्ट्र है आपको पता है महाराष्ट्र की राजधानी है वो मुंबई है। इसके अलावा देखिए, यहाँ के जो गवर्नर है वो है सी विद्यासागर राव, ये भी आपको थोड़ा पता होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ के CM है वो है देवेंद्र फडणवीस, तो ये भी थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। इतना अगर आपको पता है तो फिर आप करंट अफेयर का कोई भी क्वेश्चन है वो कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे करते हैं जो इस प्रकार से है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारी, देखिए केंद्रीय जल संसाधन मंत्री नितिन गडकरी ने लखड़वाड़ परियोजना को हरी झंडी दिखाई है, परियोजना को पूरा करने के लिए कितने राज्यों के मुख्यमंत्री ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो दोस्तों, सही आंसर आप देखिए, लखड़वाड़ से जो जल परियोजना है ये है यमुना नदी के ऊपर बनने वाला एक डैम है। इसके अलावा देखिए, इसके ऊपर कितने राज्य हैं उनकी उन्होंने सहमति, उसके बाद में बात करेंगे, पर पहले लखड़वास की बात कर लेते हैं। देखिए, यमुना के ऊपर बनेगी और यह है 42 साल से लंबित योजना थी, इसको मंजूरी है वो 1976 में ही मिल गई थी, पर देखिए और 1992 तक आते आते इसके ऊपर 35% है वो काम भी हो गया था। और इसके ऊपर कुल है वो 4000 करोड़ रुपए हैं वो खर्च होंगे, जिसमें से 90% है वो तो देगी केंद्र सरकार, बाकी 10% है वो देंगे राज्य सरकार। अब देखिए कौन कौन है और जो इस परियोजना का है वो इन राज्यों के अंदर है, क्या बंटवारा किया जाएगा जल का, और ये कितने राज्य हैं, 6 राज्य आप देख पा रहे होंगे चित्र के अंदर, आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 राज्यों के ये CM है यहाँ पे हैं और मुख्यमंत्री यहाँ पे हैं। ये 6 राज्य कौन कौन से आपको बता देता हूँ, देखिए उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, राजस्थान है, दिल्ली है और हरियाणा, यानी ये 6 राज्य हैं इनके इस समझौते के ऊपर सहमति बन गई है। दोस्तों, थोड़ा सा इस जो मैंने एडिशनल जानकारी दी है उसको आप नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपको नोटबुक में नोट ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये एडिशनल जानकारी आपको अगर मैं PDF अवेलेबल कराऊंगा तो भी उसमें भी नहीं मिलेगी, तो इनको आप जरूर नोट कर लिया करें। और जब अगर मेरा फास्ट बोल जाता हूं तो वीडियो रिवाइज कर ले दोबारा। देखिए, किस राज्य के वन विभाग ने हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण को चीता पुनः प्रस्तुति प्रोजेक्ट
फिर से शुरू करने के लिए पत्र लिखा है। और दोस्तों सही आंसर आपका यहाँ से हो जाता है मध्य प्रदेश। और जैसा ही आपको मध्य प्रदेश का नाम आया है तो मध्य प्रदेश की आपको राजधानी का पता होना चाहिए। तो देखिए मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और यहाँ के राज्यपाल कौन है, तो देखिए मध्य प्रदेश की राज्यपाल है वो आनंदीबेन पटेल है। और आपको पता है कि इसके साथ साथ ही आनंदीबेन पटेल है वो छत्तीसगढ़ की भी राज्यपाल बनाई गई है कार्यवाहक के रूप में। और वहाँ आपको पता है छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है कौन सी है, रायपुर, ठीक है, उसका नाम बदल कर क्या रखा जा रहा है, अटल नगर रखा जा रहा है, ये भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पे अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारा देखिए इस प्रकार से होगा, निम्न में से किस देश ने सीरिया के साथ सैन्य सहयोग बढ़ाने और पिछले 7 वर्ष से अधिक समय में गृह युद्ध से जूझने के कारण छीन हुई सीरियाई सैन्य शक्ति को फिर से दुरुस्त करने में मदद करने का समझौता किया है। तो दोस्तों ये समझौता किनके द्वारा किया गया है, तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि सीरिया के बारे में। तो देखिए सीरिया की कैपिटल है वो है दस्मिक, इसके राष्ट्रपति है वो है बशर अल असद, इसके अलावा देखिए इनकी मुद्रा है वो है सीरियाई पाउंड। इसके अलावा देखिए आपको पता है कि 7 साल से सीरिया के अंदर है वो गृह युद्ध चल रहा था जिसके कारण इसकी क्या है शक्ति है वो छिन हो गई थी, ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा देखिए आप मैप है उसमें भी आप देख सकते हैं, देखिए आप सीरिया दिखाई दे रहा होगा उसकी राजधानी को मैंने दस्मिक को हाईलाइट किया है। देखिए यहाँ पे इराक इसके पास है, इसके अलावा देखिए ईरान आप यहाँ पे हैं, इसके अलावा आप देख पा रहे होंगे सारे इसमें टर्की है। वो थोड़ा आप जब भी कोई भी देश के बारे में अध्ययन करते हैं तो उसका मैप जरूर देखा करें, मैं ये बार बार आपसे कहता हूँ। और दोस्तों इसको सहायता है वो देगा यहाँ पे ईरान, और तो ईरान के बारे में भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए ईरान की राजधानी है वो कैपिटल है वो है तेहरान, इसके राष्ट्रपति है वो है हसन रूहानी, और यहाँ की मुद्रा है वो ईरानी रियाल है। तो इतना आपको इसके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। निम्न में से किस देश ने हाल ही में बेडो नेविगेशन उपग्रह कार्यक्रम के तहत जुड़ा उपग्रह लॉन्च किए हैं, तो दोस्तों सही आंसर आपका यहाँ से हो जाता है चीन के द्वारा बेडो नेविगेशन उपग्रह कार्यक्रम के तहत जुड़ा उपग्रह है वो लॉन्च किए हैं। चीन की नाम आया है तो चीन के बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ की देखिए कैपिटल है वो है बीजिंग, यहाँ के राष्ट्रपति है वो शी जिनपिंग है, इसके अलावा देखिए यहाँ की मुद्रा है वो है रेनमिनबी, तो ध्यान रखना है रेनमिनबी है वो यहाँ की मुद्रा है। इसके अलावा दोस्तों हमारा आज का राजस्थान का क्वेश्चन है, प्रदेश का पहला रोटी बैंक किस नगर परिषद द्वारा खोला जा रहा है, तो देखिए प्रदेश का पहला रोटी बैंक है वो खोला जा रहा है डूंगरपुर के द्वारा। और देखिए डूंगरपुर परिषद है उसके क्या हो जाएंगे 2 सितंबर को ये खोला जाएगा, 2 सितंबर के दिन है क्या है कि यहाँ पे इसके 3 साल इस नगर परिषद को पूरे हो जाएंगे उस उपलक्ष्य में ये खोला जाएगा। इसके अलावा देखिए दोस्तों बात करें हम यहाँ पे भीलवाड़ा की, तो देखिए भीलवाड़ा को हाल ही के अंदर ODF का जो दर्जा दिया गया था वो छीन लिया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नागौर के बारे में आपको बताऊँ तो नागौर को हजारों की नगरी और क्षत्रियपुर के नाम से जानते हैं। इसके अलावा देखिए डूंगरपुर और बांसवाड़ा है वो वागड़ क्षेत्र का हिस्सा है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे सही आंसर इसका हो जाता है डूंगरपुर। अगला हमारा क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2017 के लिए राजस्थान के कितने शिक्षकों का चयन किया है, और दोस्तों इसका सही आंसर आपका हो जाता है 2 शिक्षकों का चयन किया है। और दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको बता देता हूँ मैं, 2 शिक्षकों का चयन हुआ है जबकि 6 इसमें हमारे राजस्थान का कोटा था, 6 में से 2 का हुआ था। और इसे पिछले वर्ष की बात करें तो पिछले वर्ष राजस्थान को 15 शिक्षकों का कोटा था और कुल है वो पूरे भारतवर्ष में से 45 शिक्षक है वो चयन हुए हैं, ये भी आपको बता देते जबकि 145 वहाँ पे ढूंढने थे, फिर भी देखिए यहाँ पे 45 शिक्षक ही मिल पाए। तो इस प्रकार से, और इनका नाम क्या है, इनका नाम आपको कमेंट करके बताना है कि इनके 2 शिक्षक जो चयन हुए हैं इनका नाम क्या है। अगर आपको नाम पता नहीं चलता है तो आप हमारा कल का जो हमारा वीडियो होगा उसके अंदर हम यहाँ पे आपको इसका आंसर बताएंगे। उम्मीद करूँगा कि कल हमारे इससे नाम जानने के लिए आप हमारे जरूर हमारा वीडियो देखेंगे और आप कमेंट जरूर किया करें, आपके कमेंट से हमें जो पॉजिटिव एनर्जी मिलती है वो बहुत अच्छा लगता है, लाइक से हमें अच्छा लगता है, तो ये जरूर किया करें। चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन और करते हैं, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो देखिए राष्ट्रीय खेल दिवस है वो मनाया जाता है 29 अगस्त को। अब देखिए इसको 29 अगस्त को ही क्यों मनाते हैं, इसका कारण है देखिए राष्ट्रीय खेल दिवस है उस समय क्या है मेजर ध्यानचंद जो हॉकी के जादूगर के नाम से जानते हैं उनकी स्मृति के अंदर, उनकी जयंती की स्मृति के अंदर यहाँ पे 29 अगस्त को ये राष्ट्रीय खेल दिवस वह मनाया जाता है। तो दोस्तों ये तो थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, उम्मीद करूँगा आपको सभी अच्छे लगे होंगे। और दोस्तों अगर आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक जरूर किया करें, साथ ही अफोर्ड जरूर करें, लाइक से हमें क्या होता है दोस्तों अच्छा लगता है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दीजिए। इसके अलावा देखिए दोस्तों मैं द्वारा एशियन गेम्स के वो नहीं लेके आ रहा हूँ, उसका कारण ये है कि मैं आपको जैसे ही 2 सितंबर को ये खत्म होंगे एशियन गेम्स उसके साथ ही मैं आपको एक पूरा वीडियो है 3 अगस्त को 3 सितंबर को पूरा आपको एक वीडियो अवेलेबल करा दूंगा, जिससे आपकी क्या हो जाएगी पूरे आपको सार संग्रह है वो एक जगह मिल जाएगा और आपको उसमें हेल्प मिल पाएगी। और एशियन गेम्स से एक क्वेश्चन जरूर आता है आपको पता है, तो वो जरूर देख लेना आप। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नए क्लास के साथ, हमारी लाइव क्लास होगी वो होगी 9:15 पे, तो उस समय जरूर आप आइएगा और लीजिएगा। धन्यवाद।